टेलीविजन सितारों के बीच प्यार, इश्क और मोहब्बत आम बात है। कई एक्टर्स सीरियल में काम करते करते कब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। हालांकि जितनी जल्दी ये रिश्ते बनते हैं उतनी जल्दी टूटते भी है। इस इंडस्ट्री में रिश्ते टूटने की सबसे बड़ी वजह है लव ट्रायंगल। जब दो सितारों की प्रेम कहानी के बीच किसी तीसरे की एंट्री होती है तो इन्हें टूटने से भी कोई नहीं बचा सकता। आज हम नजर डालेंगे टेलीविजन के कुछ ऐसे ही लव ट्रायंगल्स पर जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। गौरव चोपड़ा, मौनी रॉय, मोहित रायना। गौरव और मौनी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसा लगने लगा था कि ये कपल जल्दी ही शादी कर लेंगे, लेकिन फिर मौनी और मोहित रायना एक सीरियल में साथ काम करने लगे और यहाँ इनके बीच गहरी दोस्ती हो गई। इन दोनों की दोस्ती से गौरव को दिक्कत हुई और 4 साल तक चले अफेयर के बाद इनका ये रिश्ता आगे चलकर खत्म हो गया। हर्षद चोपड़ा, श्रुति झा, कुणाल करण कपूर। हर्षद चोपड़ा और श्रुति झा के बीच प्यार की शुरुआत एक टीवी शो के दौरान हुई, लेकिन 1 साल तक चले अफेयर के बाद इनका रिश्ता टूट गया। ऐसा कहा जाता है कि इस ब्रेकअप के पीछे कुणाल करण कपूर और श्रुति झा के बीच अफेयर की खबरें थी। हालांकि श्रुति झा ने इसके बाद कुणाल से भी दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। काम्या पंजाबी, करण पटेल, अंकिता भार्गवा। करण और काम्या एक दूसरे के साथ लंबे वक्त से थे, लेकिन अचानक करण ने अंकिता भार्गव के साथ शादी का ऐलान करके सभी को चौंका दिया था। जबकि अंकिता का कहना है कि वो जब करण की जिंदगी में आई थी तब तक उनका काम्या के साथ ब्रेकअप हो चुका था। जेनिफर विंगेट, करण सिंह ग्रोवर, विपाशा बासु। करण सिंह ग्रोवर के एक नहीं कई अफेयर रहे। पहले उनकी शादी श्रद्धा निगम से हुई, लेकिन शादी के बाद करण को निकोल एल्वेर्स के साथ श्रद्धा ने रंगे हाथ पकड़ लिया और अपनी शादी तोड़ दी। इसके बाद निकोल से भी करण का ब्रेकअप हो गया। करण ने इसके बाद अपनी को स्टार जेनिफर विंगेट के साथ शादी रचा ली। शादी के कुछ ही दिन बाद दोनों का तलाक हो गया। रिपोर्ट की माने तो इसकी वजह करण का फिल्म अलोन में उनकी को स्टार विपाशा बासु के साथ अफेयर रहा था। बाद में दोनों ने शादी कर ली। गौहर खान, कुशल टंडन, एजाज खान। गौहर खान और कुशल टंडन सलमान खान के विवादित टीवी रियलिटी शो पर मिले थे और इनके बीच अफेयर शुरू हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस टीवी शो में एजाज की एंट्री के बाद इनके बीच दरारें आने लगी। एजाज ने कहा था, मैं गौहर को कुशल से चुरा कर ले जाना चाहता हूँ, अगर वो प्यार में है तो मैं दुश्मन बनूंगा। इनके बीच ये जंग चलती रही और दोनों का ब्रेकअप हो गया। राहुल महाजन, मोनिका बेदी, पायल रोहतगी। ऐसी खबरें थी कि राहुल और पायल प्यार में हैं, लेकिन जैसे ही सलमान खान के टीवी रियलिटी शो में मोनिका बेदी की एंट्री हुई, राहुल ने मोनिका के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया था। मोनिका के जाने के बाद वो दोबारा पायल के साथ फ्लर्ट करने लगा और इसके बाद दोबारा जब शो में मोनिका की एंट्री हुई तो राहुल ने दोबारा मोनिका के साथ करीबी दिखानी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, राहुल ने मोनिका को शादी का प्रपोजल भी दिया था। वेल, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी ये आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहे टेली मसाला।